नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन। अब आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने, वो क्या बताया था आपको, अगर एंड से निकालना है, क्या कहा गया आपको, 12th टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या होती है, लास्ट टर्म, तो लिखिए माइनस 100। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 12 माइनस वन, और डी माइनस फोर माइनस माइनस टू, तो माइनस फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू, इसमें कोई डाउट, तो कहना चाहिए दैट माइनस 100 माइनस और माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस टू, और 12 माइनस वन 11, तो माइनस 100 प्लस 22, तो 10 माइनस टू 8, 9 माइनस टू, 9 माइनस टू कितना हो जाएगा, 7, तो आपका आंसर होगा माइनस 78। क्लियर हो गया तक, ठीक है। अब बोलो कोई डाउट है तो, क्लियर हो गया, फिर से बता देता हूँ प्रेजेंटेशन। गिवन एपी ये था आपका माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, कॉमन डिफरेंस आ गया, 12 टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, बस मेन इस चीज का ध्यान रख। नॉर्मली क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर स्टार्टिंग से जाओगे, अगर एंड से जाओगे तो अपोजिट कर, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग से जाओगे तो प्लस आता है, एंड से क्या होगा, ए की जगह लास्ट हो गया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, बाकी यहाँ भी एन माइनस वन इंटू डी होता है और यहाँ भी क्या होता है, एन माइनस वन इंटू डी। बोलो क्लियर है आपने, वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, पहले पता, ये क्लियर होगी बात, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच टर्म, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच टर्म ऑफ द एपी 53 48 43 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है। आपको कहा जा रहा है कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ऑब्वियसली जब भी कहा था विच टर्म, हम तो यही कहते हैं ए एन टर्म, और नेगेटिव होने का मतलब लेस देन जीरो, दैट ए एन टर्म की द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब वो लेस देन क्या होगी, जीरो। तो पहले आप इस चीज को समझो, तो पहले आपने क्या कहा, लेट एन एन टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब जो ए एन है आपका वो लेस देन जीरो होगा। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। अब आप यहां देखो, कैन आई से दैट ए जो है आपका वो 53 है, यस और नो, और डी क्या होगा, 48 माइनस 53 कितना होगा, माइनस 5, तो डी हो गया आपका माइनस 5, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यूज, ए की जगह क्या पुट करोगे, 53, और डी की जगह आ जाएगा माइनस 5, जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 53 माइनस 5 इंटू एन माइनस 5 एन, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5, और लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो 53 प्लस 5 दैट इज 58 माइनस 5 एन लेस देन जीरो, ये क्लियर हो गया। देखो कैन आई से दैट 58 ये माइनस 5 एन जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो लेस देन 5 एन हो जाएगा, तो बेसिकली आप यही कह रहे हो ना, देखो कि 5n जो है वो ग्रेटर देन 58 है, क्योंकि फेस देखो इसका ओपन जो है 5n की तरफ है, यही कह रहे हैं ना कि 5n जो है 58 से ग्रेटर होना चाहिए, तो n किससे ग्रेटर होगा, 58 बाय 5, और इसको डिवाइड करोगे तो 11.6, और मैंने कहा था जो n होता है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, तो 11.6 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 12, जाहिर सी बात है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 12 टर्म होगी, अब किसी को पूछना तो पूछ सकते, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, कि 10 और 300 के बीच में कितने नंबर आपके लाई करेंगे, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3, इनको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, 3। भाई देखो
अगर मैं 11 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 टू जा 8 बचेगा 3। तो कहने से इधर 10 और 300 के पीछे पहला नंबर तो फिर वो 11 ही हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस कितने का होगा? 4 4 का। कितने का होगा? 4 4 का। तो नेक्स्ट कितना होगा? 15। नेक्स्ट क्या होगा? 19। ऐसे अगर मैं लास्ट नंबर पूछूं तो 300 से पहले क्या आता है? 299। इसको डिवाइड करके देखो, 4 7 जा 28, 1 9, 4 4 जा 16, 3 आ रहा है रिमाइंडर। तो कहने से था लास्ट नंबर होगा 299, जिसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आएगा। तो क्या ये भी समझ में आ गई आपको? 11, 15, 19 अप टू 299। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर, क्या कहा जा रहा है आपको? हाउ मेनी नंबर। तो हाउ मेनी नंबर का मतलब क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है? एन। क्या कहा जा रहा है? हाउ मेनी नंबर्स का मतलब आपको एन फाइंड कर। ये लास्ट टर्म है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ए एन है वो 299 के इक्वल है। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके इक्वल है? 299। इस एपी को देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? तो क्या मैं इसकी जगह 11 रख सकता हूँ? प्लस एन माइनस वन डी क्या होगा? 15 माइनस 11, 4। एन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज तो गिवन है, तो एन निकल जाएगा। बोलो, हुआ कुछ क्लियर? अब देखो इसकी प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो एपी बनेगा आपका वो क्या बनेगा? 11 15 19। ये क्लियर हो गया? इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 11। और लास्ट टर्म क्या है? ए एन, दैट इज 299। और डी क्या है हमारा? 4। तो ए एन आपका 299 के इक्वल है। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो ए एन का मतलब क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 299। अब ए आपका कितना था? ए आपका कितना है? 11। डी हमारा कितना है? 4। तो डी की जगह क्या आ जाएगा? 4। अब देखो ये प्लस 11 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -11। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो पहले तो आप ये देखो कि 299 माइनस 11 हो जाएगा 288। फिर ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 288 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 72। ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 73 टर्म्स ऐसी होंगी 10 और 300 के बीच में। ऐसे कितनी टर्म्स होगी? 73, जिनको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। कोई डाउट भाई? भाई? 11 को आपने 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 3। ऐसे 11 15 19, ऐसे 299 तक जाओ, ऐसे कितने नंबर आएंगे? 73 नंबर बनेंगे। ऐसे चलते जाओ, 4 4 ऐड करते जाओ, घर पे बैठ के करते रहना, संडे का यही काम कर रहे हो। हो गया क्लियर आता? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, अब आता 19। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसका कोई रूल। ठीक है, देखो अब आपको भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको ये एक एपी गिवन है, ये आपको एक एपी गिवन है, राइट? फर्स्ट टर्म क्या है? -4/3। सेकंड टर्म क्या है? -1। ये कितना? -2/3। एंड सो ऑन करते हो, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वो है 4 1/3। मैं बोलूं ये ए एन है, आपको कहा जा रहा है इस एपी की टू मिडल मोस्ट टर्म बताओ। अब टू मिडल मोस्ट टर्म आप तभी बता सकते जब आपको पता हो कि इसमें टर्म्स कितनी है। जैसे कि मान लो यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक, भाई ये आपकी फर्स्ट फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म। यहां से लेके यहां तक आपने कहा कि भाई यहाँ पर 11 टर्म्स, कितनी है? 11। तो 11 के बीच में सेंट्रल वैल्यू जो भी होगी, 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, ठीक है, तो 6 टर्म हो जाएगी। दो कह रहे तो 6 और 7 ले लो, या 4th और 5th और 6th ले लो, कुछ इसी तरह से होगा ना। पर पहले पता तो हो कि टोटल टर्म्स है कितनी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में आप कैसे आगे बढ़ो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी एपी है, ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म।
ये क्लियर है। और ये आपका क्या लास्ट टर्म 4 1/3, ये भी क्लियर है ठीक है। अच्छा डी की वैल्यू क्या होगी, -1 a2 - a1, a2 - a1 दैट इज -1 - -4/3, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा -1 + 4/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 LCM आ जाएगा, 3 × -1 -3 + 4, तो बेसिकली ये क्या आ गया 1/3। तो डी क्लियर हो गया आपको, 1/3 आएगा ठीक है। और जो लास्ट टर्म है इसका an, वो कितना दिया हुआ है 4 1/3, और a आपका कितना है -4/3। डी आपने अभी निकाला है वो कितना आ गया 1/3। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ठीक है। अब आगे देखो भैया, आपका जो an है वो है 4 1/3, यही है इसको, ये मिक्स फॉर्म में है। तो 4 3 12, 12 + 1 क्या होगा 13/3। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 13/3। मैंने क्या कहा, पहले मुझे समहाउ n की वैल्यू पता हो कि कितनी टर्म है, तभी तो मैं मिडिल का बता सकता हूँ। तो a आपका कितना है, a है आपका -4/3, तो इन प्लेस ऑफ a आपने पुट कर दिया -4/3। और d आपका, d हमारा कितना है 1/3, तो इन प्लेस ऑफ d आपने पुट कर दिया 1/3। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है ठीक है, एंड इक्वल टू 13/3। अब देखो n - 1 × 1/3, ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 13/3 + 4/3, ये क्लियर हो गया यहां तक ठीक है। देन देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 13 + 4 ये होगा 17/3, बिकॉज एलसीएम तो 3 आएगा आपका, 1/3 ये डिवाइड यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n - 1 हो गया 17, -1 को यहाँ लेके जाओगे तो n कितना हो जाएगा 18। तो आपको ये समझ में आ गया कि टोटल टर्म्स कितनी है, 1/3 है ना, तो 1 को तो छोड़ ही, तो डिवाइड हो रहा 3, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेसिप्रोकेट कर रहे तो 1/3 को यहाँ ले जाओ तो 1, यही तो हो जाएगा 3/1। अब क्लियर हो गया, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई आपको कि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है 18, 18 का हाफ कितना होता है 9, तो 9 तो 10 बोल सकता हूँ मिडल मोस्ट टर्म होंगी, 9 तो 10 क्या होंगी मिडल मोस्ट टर्म। तो आपको a9 फाइंड करना और a10 फाइंड करना, पहले बताओ समझ में आ गया। जब भी मिडल टर्म की बात होती है तो पहले आपको n पता होना चाहिए, टर्म्स कितनी है, अगर 5 टर्म्स है तो 3rd टर्म होगी मिडल मोस्ट, उसने कहा 2, तो 2 आपने ले ली 9 तो 10, तो a9 क्या हो जाएगा आपका a+18, और a10 क्या हो जाएगा आपका a+90, ये क्लियर हो गया। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है आपको, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो a9 ये हो गया a+18, इनका सम निकालना था। अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ, जो दो मिडल मोस्ट टर्म है उनका सम निकालना है आपको, क्या निकालना है सम। दो मिडल मोस्ट टर्म आपकी a9 है और a10 है, तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, सम निकालना है। इतना क्लियर हो गया ठीक है। तो देखो a9 हो गया a+18 प्लस a10 हो गया a+90, ये क्लियर हो गया ठीक है। अब देखो a+a 2a, ad+90 17d, ये क्लियर है। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी क्वेश्चन में, गिवन है आपको वैल्यू ऑफ a इज -4/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a -4/3, तो इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट -4/3। d हमने अभी फाइंड किया था वो 1/3 आया था, तो देखो 2 × -4/3 ये होगा -8/3, और प्लस में क्या हो जाएगा 17/3, तो एलसीएम तो 3 आएगा, पर ये हो जाएगा -8 + 17, तो 17 - 8 क्या होगा 9/3, फाइनल आंसर क्या होगा 9/3। तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा 3 के, क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी कुछ भी हो दीदी, मैं कहता रहा हूँ मान लो 5 आया था एंड कितना आता 5, वो तो और ज्यादा इजी होता है, एक ही आएगा, पर उसमें दो बोल रहे हैं ना वो आपको, तो दो भी नहीं, उसके साथ वाली एक ले लो जो उसका एग्जैक्टली हाफ, जैसे इवन में ही होता है इशू, जैसे भाई 18 का हाफ आपने किया 9, तो 9 के साथ क्या हो गया 10, ऐसे पड़ा है। 20 होता, 20 का हाफ क्या होता 10, तो 10 और 11 ले लो।
समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। तो मैं बोल सकता हूं कि ए इक्वल टू -5 है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो मैं बोल सकता हूँ जो ए एन है आपका वो 45 है, इसमें कोई दिक्कत? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120। तो आपको एस एन की वैल्यू गिवन है 120, इसमें कोई दिक्कत? फिर आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब एन की वैल्यू निकालो एंड कॉमन डिफरेंस, और आपको कहा जा रहा है डी की वैल्यू निकालो। पहले तो आप ये देखो, पहले तो देखो ये जो वैल्यू है ए एन, अगर मैं ए एन इक्वल टू 45 करता हूं तो इसका मतलब यही हुआ ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45। ए आपका कितना है? -5। एन आपको फाइंड करना है, डी आपको फाइंड करना है, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। एक मिनट, ये क्लियर हो गया? तो -5 यहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका बन गया 50। मान लो ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। अब आपको एस एन गिवन है, क्या गिवन है? एस एन। एस एन अगर गिवन है और फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो एक छोटा वाला फॉर्मूला भी होता है। तो आपने कहा भाई यहाँ पर जो एस एन हमारा 120 है, इसका मतलब ये हो गया कि एस एन की जगह आप लिखोगे एन बाय टू ए प्लस ए एन इक्वल टू 120। अब ये टू डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया एन, वैल्यू ऑफ ए इज -5, वैल्यू ऑफ ए एन इज 45। ये टू यहाँ जाके क्या होगा? 240। 45 -5 40, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा 40 एन इक्वल टू 240। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240/4, तो ये कितना आ गया? 60। ये अच्छा 40 0, तो ये कितना आ गया आपका? 6। कितना आ गया? 6। ये 6 उठा के यहाँ पुट कर दो तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5D। तो D की वैल्यू कितनी होगी? 10। क्वेश्चन हो गया आपका, ये दो निकाल ले। तो दोनों का यूज होगा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन देखो। तो पहली चीज जो आपने कहा कि एस एन इक्वल टू क्या, एन बाय टू ए प्लस ए एन, ये क्लियर। यहां से हमारी एन की वैल्यू कितनी आई थी? यहां से आपकी जो एन की वैल्यू आपने निकाली थी वो 6 ही आई थी, यही आई थी ना 6। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भैया आपने कहा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही यूज की थी हमने दूसरी इक्वेशन। तो ए एन की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी थी? 45। वैल्यू ऑफ ए कितना है आपका? -5। एन आपने अभी फाइंड किया तो एन की जगह क्या हो गया? 6। तो डी आपका कितना आ जाएगा? 10। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? फाइंड द सम, ये आपको एक एपी की बने जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 1। और कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो -2 -1 कितना होगा? -3। आगे वाले का भी चेक करो, ये क्या है? -5। इसमें से इसको माइनस करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, सेम ही है। अब देखो इसमें क्या है आपको कि लास्ट टर्म गिवन है, अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो सम निकालना इजी हो जाता है एपी का, बिकॉज सीधा फॉर्मूला लग जाता है एन बाय टू ए प्लस ए एन। अब ए तो आपके पास है 1, ये हो गया आपका ए एन, दिक्कत किस चीज की है? एन। अब एन कैसे निकालोगे? भाई लास्ट टर्म गिवन है आपको ए एन, इसके इक्वल है -236 के। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -236, ये क्लियर। तो ए की जगह क्या पुट कर दोगे? 1। और डी की जगह क्या पुट कर दोगे? -2 -1, -3 आया था, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -236। ये प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं बोलू -3 विद इन ब्रैकेट एन -1 इक्वल टू -237 हो जाएगा।
तो देखो n माइनस वन, तो अगर यहाँ पे n माइनस वन की आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी, माइनस 237 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 37 जा 21 और 39 जा 12। अभी माइनस वन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो n आपका कितना हो गया 80, n कितना हो गया आपका 80। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मूले में एन की जगह 80 पुट कर दो, क्या पुट करते हो 80, तो ये हो जाएगा एस 80 इक्वल टू हो जाएगा 80/2। ए आपकी फर्स्ट टर्म है तो ए की जगह क्या हो जाएगा 1, और ए एन की जगह हो जाएगा -236, तो 80/2 तो हो गया 40 और ये हो गया -235। अब 235 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, तो ये आएगा 940 और 0, तो मैं बोल सकता हूँ -9400 आंसर आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका क्या था फर्स्ट पार्ट। अब देख सकते हो फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू क्या आएगी आपकी 80, और एन की वैल्यू निकालने का जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो फाइनल आंसर जो आपका एस एन आएगा, मीन्स एस 80 जो आएगा आपका, वो आएगा -94। फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म, तो मैं बोल सकता हूँ ए जो है आपका दैट इज 4 -1/n, ये है ना आपका। इसमें क्या आपको लास्ट टर्म गिवन है, नहीं, अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 2a, n-1। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। बट यहां पर क्या रहा है, अप टू एन टर्म, तो एन की वैल्यू तो एन ही रहेगी, बस आपको करना क्या है, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट दिस वैल्यू, इन प्लेस ऑफ डी वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज a2 - a1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये चीज समझ में आ गई, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है आपकी ए वो क्या है आपकी 4 -1/n, और डी क्या हो जाएगा a2 4 -2/n -a1 4 -1/n, ये हो गया a2, ये हो गया a1। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 4 -2/n, ये हो जाएगा -4 -, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्लियर हो गया। तो कह रहे हैं +4 -4 विल बी कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद -2/n और +1/n, इसका एलसीएम क्या होगा n, तो -2 + 1, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू -1/n, तो ये क्लियर हो गया। तो देखो आपका a क्या है 4 -1/n, और d आपका कितना आ गया -1/n। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि भाई यहां पर जो फॉर्मूला हमारा हम पुट करेंगे वो ये वाला पुट करेंगे, बिकॉज लास्ट टर्म हैज नॉट बीन गिवन, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 2a + n-1 d, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट दिस वैल्यू 4 -1/n, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट दिस वैल्यू -1/n, और क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ एन टर्म्स ही निकालो, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा ना, समझ में आ रही है वाली बात, ठीक है। तो ये हो गया n/2। अब देखो कहने से दैट 2 × 4 8 और 2 × -1/n -2/n, -1/n को जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे -1/n × 1, तो n से n कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -1, और -1/n को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/n। यहां तक क्लियर है सारी बात, ठीक है। तो आगे देखो 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, वी आर लेफ्ट विद -2/n + 1/n, एलसीएम क्या हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू -1/n। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एन भाई 7/1 और -1/n, एलसीएम क्या होगा एन 7 × 1 क्या हो जाएगा 7 है, और 1 × 1 तो यही आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया, तो कहना चाहिए फाइनल सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 7 एन -1/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।
किस चीज का टीका है? गुड, क्लियर है यहां तक? ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या आप, दिस इज द गिवन एबी। अब यहां पर कहने से दैट आपको एन की वैल्यू गिवन है, इसने बोल दिया 11 टर्म्स। भाई इस एपी की इस तरह से जो 11 टर्म्स होगी उनका सम बताओ क्या होगा। तो यहां पर आपका जो एन है वो क्या है? 11। क्या आपको लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे? नहीं। तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे? एस एन इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, या दूसरा ऑप्शन क्या किया आप, ए 11 फाइंड। बिकॉज आपको पता है इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो 11 टर्म होगी, या पहले से ए 11 फाइंड करो विच इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए आई, बिकॉज नाउ यू हैव लास्ट टर्म। ये सारी चीजें क्लियर होगी आपके ऊपर, आप क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ सकते। इस क्वेश्चन में आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते। चलो आगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आपका जो फर्स्ट टर्म है ए वो क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। दूसरा आता है फिर आपका कॉमन डिफरेंस, वो आपको पता होना चाहिए, वो होगा ए टू माइनस ए वन, ये क्लियर है, ठीक है। तो जब आप ए टू माइनस ए वन करोगे, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए वन, तो इन प्लेस ऑफ ए टू वी विल पुट 3a - 2b अपॉन ए प्लस बी, माइनस ए वन इन प्लेस ऑफ ए वन वी विल पुट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आएगा ए प्लस बी, न्यूमरेटर में होगा 3a - 2b माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, देखो 3a - a क्या है, दैट इज 2a, और -2b + b ये हो जाएगा माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर आपने सिर्फ ए और डी निकाला है, एन तो नहीं निकाला, तो इसका मतलब जो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो यही होगा ना, फिर आपका फिर एस एन का फॉर्मूला क्या बनता है, एन बाय टू। अब क्वेश्चन में कहा गया 11 टर्म, तो एन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11, तो जो एस एन है वहां तो हो जाएगा एस 11, जहां एन है एन की जगह क्या हो जाएगा 11 बाय 2, 2a, 2a इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट दिस वैल्यू, दैट इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, प्लस एन माइनस वन 11 - 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट 2a - b अपॉन ए प्लस बी। बोलो कोई डाउट है तो क्लियर है आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए दैट इज 2a, -2 इंटू b 2b, 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2a - b अपॉन ए प्लस बी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप वैल्यू पुट इसको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम तो सेम ही आएगा ना आपका, तो ये हो जाएगा 2a - 2b प्लस 10 इंटू 2a 20a प्लस माइनस -10b, और जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया 11 बाय 2, 20a + 2a दैट इज 22a, -10b - 2b -12b अपॉन ए प्लस बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच टर्म ऑफ द एपी -2 - 7 - 12 विल बी -77। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये कहते हो कि लेट ए एन बी द टर्म, इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू -77। अब -77 इस एपी का पार्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है या नहीं आती है। अगर एन आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो आप कहोगे यस -77 इज द पार्ट ऑफ दिस एपी, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म -77। अब इस क्वेश्चन से तो ये क्लियर हो गया कि भाई होगा, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी, मान लो एन की वैल्यू आती है 10, क्या आती है 10, तो फिर आप सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी निकालो। अगर एन की वैल्यू आती है 15,
तो आप सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी निकालो, ये समझ में आ रहा है। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म, जो भी ये टर्म होगी उस एपी की, उस टर्म तक का सम निकाल, ठीक है। तो देखो जो गिवन एपी है आपकी, दिस इज अ गिवन एपी, -2 -7 -1 -77। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द लास्ट टर्म, तो एन क्या हो गया -77। फर्स्ट टर्म हो गया आपकी ए, तो ए हो गया आपका -2, और डी हो गया -2 -A1, तो -7 -2, तो -7 + 2 कितना हो जाएगा आपका -5। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब आपने कहा कि एन जो है वो आप एनर टर्म भी -77, एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। एन हमने किसके इक्वल रखा है, -77। इन प्लेस ऑफ ए, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट -2, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट -5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो -2 वन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा -77 + 2 इक्वल टू विद इन ब्रैकेट n-1 × -5। इज इट क्लियर। तो -77 + 2 ये क्या हो जाएगा, -75। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड इट इज इक्वल टू n-1। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 75 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। -1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो n आ गया 16। इसका मतलब 16 टर्म जो होगी इस एपी की वो होगी 77। जो 16 टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी, -77। फिर उसने कहा था कि भाई जो भी टर्म होगी वहां तक का सम भी निकालो, तो अब आपको निकालना है s16। क्या निकालना है, s16। अब देखो आपके लिए इजी ऑप्शन क्या है भाई, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है ना इस एपी की, आपको इस एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या है, -2, लास्ट टर्म क्या है, -77। तो आप कहोगे वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 a+an, यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या है 16, तो है 16, n/2 16/2, ए इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट -2 +an -77, -2 -77 ये हो जाएगा -79। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ 16 टर्म आ जाएगा -632। इज इट क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, देखो आपको एनर टर्म की बना है, आपको एन की बना है, दैट इज 3 - 4n। आपको कहा जा रहा है शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन एपी, भाई एन की जगह 1 पुट करो, तो 3 - 4 कितना आ गया, -1। एन की जगह 2 पुट करो, 3 - 8 कितना हो गया, -5। एन की जगह 3 पुट करो, 3 - 12 तो कितना हो गया, -9। अब देखो -1 -5 -9 क्या ये एपी बना रहा है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, -5 + 1 कितना होगा, -4, -9 + 5 कितना होगा, -4, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि आपने शो कर दिया ये एपी है। फिर आपको कह रहा है s20 फाइंड करो, s20, तो जब आप s20 फाइंड करोगे तो s20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन क्या होता है आपका, अगर मैं एस एन की बात करता हूं तो एस एन क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म तो पता नहीं है, n/2 2a+n-1 × d, ये क्लियर है, ठीक है। तो s20 क्या हो जाएगा, एन की जगह 20, तो 20/2 2a, a आपका यहाँ पर क्या है, -1 + n-1 20-1, और d आपका क्या होगा, -4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, तो 20/2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा -2, प्लस माइनस हो जाएगा -4, और 20 - 1 क्या हो जाएगा, 19। 10 - 2 9 4 36, 4 1 4 और 3 7, तो ये हो गया 10 × -78, तो फाइनल आंसर आपका -77 80 आ रहा चाहिए, यही आ रहा है सबका। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये करना था क्वेश्चन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एन की वैल्यू पुट करोगे, जब आप एन की वैल्यू पुट करोगे तो
ए वन आपका आएगा माइनस वन, यही आया था आपका। फिर ए टू आपका आया होगा माइनस फाइव, राइट, और ए थ्री आपका आया होगा माइनस फोर। हाँ सॉरी, ए थ्री आपका माइनस नाइन आया होगा, ए थ्री आपका आया होगा माइनस नाइन। फिर आपने चेक किया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इनका सेम आ रहा था। कॉमन डिफरेंस का मतलब ए टू माइनस ए वन, ये माइनस फोर, और ए थ्री माइनस ए टू, तो आपने कहा कि भाई ये एपी है। फिर आपने क्या निकाला, सम ऑफ 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स में जब आपने फॉर्मूला पुट किया, ये एसएन वाला, एन की जगह 20 पुट किया, सारी वैल्यूज पुट की, तो जो आपका फाइनल आंसर आया आपका, वो आया माइनस एवरेज। यही था क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है आपका, इन एन एपी इफ एस एन इज इक्वल टू एन विद इन ब्रैकेट 4n+1, देन फाइंड द एपी। देखो पहले एक चीज समझो, 2, 4, 6, 8, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक एपी है। अब आप मुझे बताओ, देखो ये फर्स्ट टर्म है इस एपी की, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर मैं पूछूं आपको कि क्या होगा, वो भी आपका कोई यही होगा भाई, एक टर्म को सम करोगे तो वही आएगी ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सम ऑफ टू टर्म्स मान तो 6 होगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ए टू, एस टू और एस वन की हेल्प से मुझे ए टू बताओ, तो क्या ना से दैट ए टू क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स से सम ऑफ वन टर्म को माइनस कर दो, तो 6 माइनस 2 इसके इक्वल आ गया 4। ये समझ में आया आपको। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि सम ऑफ थ्री टर्म्स निकालो, तो आप कहोगे सर 2 प्लस 4 प्लस 6 होगा, तो 12 होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई सम ऑफ थ्री टर्म्स और सम ऑफ टू टर्म्स का यूज करके क्या आप ए थ्री निकाल सकते हो, आप कहोगे सर ए थ्री इक्वल टू, आप कर दो सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ थ्री कितना है 12, और सम ऑफ टू टर्म्स कितना है आपका 6, तो थर्ड टर्म आपकी 6 ही तो थी। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई, भाई जो भी टर्म्स हमें निकालनी हो वो सम ऑफ एन टर्म्स है, उसकी एक कम, एक पीछे वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, आपको एपी बनाना है, एपी के लिए आपको एटलीस्ट ए वन ए टू और ए थ्री तो चाहिए, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि एस वन क्या होगा, तो आपने कहा ए वन, तो एस एन गिवन है, एन की जगह वन पुट कर दो, तो आप कहोगे वन विद इन ब्रैकेट 4 into 1+1, तो 4+1, तो फर्स्ट टर्म आ गई एपी की 5। फिर मैंने कहा कि ए टू, तो आपने कहा सर एन की जगह, मैंने कहा टू टर्म्स ही है ए टू, तो आपने कहा सर एन की जगह 2 पुट कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, यही हो गया ना। अब आपके पास एस वन तो है, पर आपके पास एस टू नहीं है, तो पहले आप एस टू फाइंड करोगे, तो एस टू क्या हो जाएगा, एन की जगह 2 पुट कर दो, और 4 2 8+1 9, 18 हो गया। अब जैसे ही ये हो गया, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो एस टू कितना हो गया 18, एस वन कितना हो गया 5, तो ये कितना आ गया 13, ये भी आ गया। मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ ए थ्री कैसे निकालोगे, आपने कहा सर एन की जगह 3 पुट कर दो, तो एन की जगह 3 पुट करोगे तो क्या होगा, S3 माइनस S2 होगा या नहीं होगा, ये क्लियर होगी यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आपके पास एस टू तो है पर एस थ्री नहीं है, तो आपने इस एन की जगह 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया 3 4 3 12+1 13, तो आपने कहा सर S3 हो गया 39, हो गया। तो कैन आई से दैट A3 इज इक्वल टू S3, S3 की जगह आपने रखा 39, माइनस S2, S2 की जगह आपने रखा 18, 9 माइनस 8 1 3 माइनस 1 2। अब देखो तो आपकी रिक्वायर्ड एपी क्या होनी चाहिए, A1 की जगह क्या 5, A2 की जगह क्या 13, और A3 की जगह क्या 21। अब मुझे ये बताओ 13 माइनस 5 कितना 8, 21 माइनस 13 कितना 8, बस हो गया क्वेश्चन, यही एपी हो गया, चेक भी हो गया, समझ में आया। तो जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो भी दिखा देता हूँ आपको, तो एन की जगह 1 पुट किया तो S1 आ गया, और S1 को ही हम क्या कहते हैं A1, ये क्लियर। फिर आपने क्या किया, एन की जगह क्या पुट किया आपने 2, S2 आ गया। फिर मैंने आपको क्या कहा कि भैया A2 जो होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S, ये होगा, तो A2 आपका होगा S2, S2 आपका 13 था और S1 आपका 5 था,
ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, S2 जो था आपका वो 18 था और आपका S1 कितना था? 5, तो 18 माइनस 5, A2 कितना आ गया? 13। ये क्लियर? फिर आपने पहले निकाला S3, क्या निकाला? S3, S3 आपका 39 आया, तो A3 क्या होगा? S3 माइनस S2। तो मोटी चीज जो समझ में आई आपको वो क्या आ गई कि भैया कोई भी टर्म हमें निकालनी हो, अगर An टर्म जो होती है वो SN माइनस SN माइनस 1 के इक्वल होती है। समझ में आ गया? कोई भी टर्म, अगर आपको A5 निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स से तो S5 माइनस S4 कर दो, A7 निकालना है तो S7 माइनस S6 कर दो। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो आपकी AP फॉर्म होगी वो क्या होगी? 5 13 21, 3 टर्म्स तो निकालनी हो, क्लियर आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको कहा जा रहा है SN इज इक्वल टू 3N² + 5 एंड AK, ये किसके इक्वल है? 164। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो मैंने आपको अभी बताया कि इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि जो AN होता है वो किसके इक्वल होता है? SN माइनस SN माइनस, ये समझ में आ रहा है? तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? AN, आप एन की जगह के पुट कर दो तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी? ए के, और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके इक्वल है? 164। तो जब आप इक्वेट करोगे यू विल हैव द वैल्यू ऑफ के। अब मैंने जो चीज कहा उसको प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन में समझो आप। मैंने आपको ये कहा कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस, SN तो ये आपका एज इट इज ही आ जाएगा, इसमें कोई डाउट? -SN माइनस 1, इसमें क्या करना है? जहां आपका एन है वहां पर क्या हो जाएगा? N माइनस। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि SN माइनस 1 जो होगा 3N² में क्या हो जाएगा? 3N माइनस 1 होल स्क्वायर, ये क्लियर? +5, ये जहां एन है वहां क्या हो जाएगा? N माइनस 1, ये क्लियर? ठीक है, तो देखो ये हो गया SN और ये पूरी वैल्यू हो गई SN माइनस 1, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो व्हाट वी विल हैव, ये हो गया 3N² + 5N एज इट इज -3, A - B होल स्क्वायर, तो ये हो गया A² - 2AB + B स्क्वायर, ये क्लियर? 5 × N 5N - 5 × 1 - 5। नाउ व्हाट वी विल हैव? 3 × N² 3N² 3 × -2N - 6N 3 × +1 + 3 + 5N - 5, ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन देखो माइनस है तो ये हो जाएगा -3N² -, -+6N +-3 + -5N -, -+5, ये क्लियर हो गया? अब आगे देखो 3N² + और - कैंसिल, 5N + और - कैंसिल, बट वी विल हैव 6N + 5 - 3 + 2, An आ गया ना। अब क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू गिवन, मैंने कहा अगर मैं यहाँ इनकी जगह K पुट कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ A मेरा क्या होगा? 6K + 2, यस और नो? और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसके इक्वल है? 164। भाई सही कह रहा, भाई ने यही बोला था, पर आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट पॉइंट, इतना इनका लेवल नहीं होता ना तो ये लोग इतना कैच नहीं कर पाते। आप तो सही कहा था सर, ऐसे ऐसे और ऐसे हो गए। हाँ जी, बिकॉज दीदी अभी मैंने बताया था अगर आपको A2 निकालना हो और SN गिवन हो तो वो S2 - S1 होता है, और अगर आपको A3 निकालना हो तो वो S3 - S2 होता है। तो अगर आपको AN निकालना होगा तो वो होगा आपका SN - SN - 1। तो पहले आपने AN निकाला, फिर N की वैल्यू, N की जगह कुछ भी पुट करोगे तो वो एक टर्म आ जाएगी। तो पहले आपने AN निकाला, N की जगह K पुट कर दिया, फिर अब 3 पुट करोगे तो A3 आ जाएगा, K पुट करोगे ये आपको वैल्यू गिवन थी। इधर देखो फिर, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब देखो भाई ये +2 है, यहाँ के क्या हो जाएगा? -2, तो 162, उसको 6 से डिवाइड करोगे तो के आपका कितना आ जाएगा? 27, क्लियर हो गया? ठीक है,
ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एस एंड इनोड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूव दैट एस 12 इक्वल टू 3 एस 8 माइनस एस एल। देखो इस क्वेश्चन का करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है आपका, द बेस्ट वे इज, आपको पता है कि एस एन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई एस 4 क्या होगा, तो आप कहोगे 4 बाय 2 2a प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा 3d, इसमें से आप इसको इसको कैंसिल कर दो तो एस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a प्लस 6d, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मैं आपको कहूं कि भैया मुझे ये बताओ एस 8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर एन की जगह 8 पुट कर दो, तो 8 बाय 2 सीधा लिखू 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 7d, तो एस 8 की वैल्यू क्या होगी 8a प्लस 28d, इसमें कोई दिक्कत। फिर मैं आपसे पूछूं भाई एस 12 की वैल्यू बता दो ऐसी, तो आपने कहा सर एन की जगह 12 पुट कर दो, 12 बाय 2 क्या हो जाएगा 6 और 2a प्लस 12 माइनस 1 11d, तो ये आपका हो गया 6 2 जा 12a प्लस 66d, ये क्लियर। अब ये सब निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ, अब आप राइट हैंड साइड पर आओ, आपकी राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कह रही है 3 टाइम्स एस 8 माइनस एस 4, एस 8 ये वैल्यू रखो 8a प्लस 28d, ये क्लियर, माइनस एस 4 तो माइनस 4a कर दूं और माइनस क्या हो जाएगा 60। अब जरा ये बताओ 8a माइनस 4a क्या हो जाएगा 4a, 28 माइनस 6 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, अब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12a और 3 इंटू 22 क्या हो जाएगा 60 है इसकी वैल्यू, दैट इज एस 12, हो गया आपका प्रूफ क्वेश्चन। आए समझ में, ये इसको करने का प्रॉपर वे है। तो देखो एस एन गिवन था, आपने क्या फाइंड किया पहले एस 4, फिर आपने एन की जगह 8 पुट करके क्या फाइंड किया एस 8, ये भी क्लियर, फिर आपने एन की जगह क्या पुट किया 12, ये थर्ड स्टेप हो गया एस 12, सारी वैल्यूज निकाल दी आपने, सारी वैल्यूज निकालने के बाद फिर आपने लिखा टू प्रूफ, और टू प्रूफ में आपने राइट हैंड साइड की जो ये वैल्यूज थी इसमें आपने वैल्यूज पुट की, एस 8 की वैल्यू पुट की और एस 4 की, सॉल्व करके जो वैल्यू आई है ये आपकी एस 12 के इक्वल एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंड स्कूल, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है,